नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी श्रीअड्डा में आपका स्वागत है। पेट के एग्जाम के लिए जैसे कि हम प्रैक्टिस सेट आपको करा रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेट में टोटल 25-25 करके प्रश्न देख रहे हैं। इसी सेट वन का तीसरा पार्ट हमने देखा था, साइड माय बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आज हम इसी सेट के आखिरी 25 प्रश्न देखेंगे, ये हमारा पार्ट नंबर 4 जो है वो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न हम कितने से कितने देखेंगे, तो 76 से लेकर के 100 तक प्रश्न देखेंगे। टोटल 100 प्रश्न ही आपके इस पेट के एग्जाम में आते हैं। तो 76 प्रश्न से शुरू करते हैं। 76 से 80 तक जो प्रश्न आपके दे रखे हैं, ये सभी आपके गद्यांश पर आधारित हैं। इसमें आपको गद्यांश पढ़ना है, उसके बाद आंसर का चयन करना है। तो गद्यांश आपका है, क्या आपने कभी इस बात पर गंभीरता पूर्वक विचार किया है कि आज हम जो भी हैं, कुछ भी हैं, किस किस का योगदान है, माता का, मातृभूमि का, मातृभाषा का, या फिर इन सब का। एक जननी हमें जन्म देती है, एक के आंगन में खेल कूद कर तथा खा पी कर हम पुष्ट होते हैं, और एक हमें अपने विचारों, भावों इत्यादि को प्रकट करने की शक्ति देती है। इसी शक्ति के अभाव में हम गूंगे और बहरे बनकर रह जाते हैं, और ये शक्ति हम पर पूर्ण रूप से मनुष्य बनाने का उपकार करती है। इस उपकार का ऋण हम पर सबसे अधिक है। इस ऋण से मुक्त होने के लिए हम सच्चे मन से उसकी सेवा करनी चाहिए हमें, और विदेशी भाषा के सम्मुख इसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, तभी हम अपनी मातृभूमि के सच्चे सपूत कहलाएंगे। किंतु ये काम इतना सरल नहीं है, ये काम तो तलवार की धार पर चलने का है। ये आपका टोटल पैराग्राफ है, और इस पर आधारित 76 नंबर प्रश्न है कि अपने मन की बात कहने की शक्ति हमें किससे मिलती है, मातृभूमि से, मातृभाषा से, माता से, या फिर राष्ट्रभाषा से। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो आपने ऊपर की स्टार्टिंग की लाइनों में पढ़ा था, उसमें लिखा भी था क्लियर तरीके से। आंसर की बात करते हैं तो आपका मातृभाषा बिल्कुल सही हो जाएगा। मन की बात कहने की शक्ति हमें हमारी मातृभाषा से जो है वो प्राप्त होती है। सभी को जो क्वेश्चन है वो ऊपर के गद्यांश पर ही आधारित हैं। अगला है कि हम पर मात्र ऋण है क्योंकि माता ने हमें जन्म दिया है, बोलना सिखाया है, पाला पोसा है, या फिर विचार करना सिखाया है। अगर आप पैराग्राफ ना भी जो है पढ़े तब भी आप समझ सकते हैं कि पाला पोसना ये ऋण में नहीं आता है, बोलना सिखाया है ये भी ऋण में नहीं आता है, विचार करना सिखाया है ऋण में नहीं आता है, पर जन्म दिया है ये आता है। बाकी पैराग्राफ में भी लिखा था, तो आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। अगला 78 प्रश्न है, हम अपना मातृ ऋण कैसे चुका सकते हैं। माँ को धन देकर कभी नहीं, माँ को धन्यवाद देकर एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, पर उतना नहीं। माँ की सेवा करके बिल्कुल माँ की जो है अपनी भाषा जो है अपना कर, तो ये भी नहीं है कि ऐसा नहीं कि जो उनकी भाषा या मातृभाषा को स्वीकार करके। सी वाला आपका सबसे अच्छा ऑप्शन है कि हम अपना मातृ ऋण जो है कैसे चुका सकते हैं, तो माँ की सेवा करके, ये आपका सबसे सही होगा। 79 प्रश्न है, मातृभूमि हमें क्या प्रदान करती है, सुरक्षा, गौरव, अन्न धन, या फिर प्रसिद्धि। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो मातृभूमि हमें सुरक्षा प्रदान करती है, गौरव प्रदान करती है, अन्न धन या प्रसिद्धि में से, तो मातृभूमि हमें अन्न धन प्रदान करती है, ये आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसी से तो हमारा पोषण होता है। तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही होगा। 80 नंबर प्रश्न है, इस गद्यांश का मुख्य विषय आप क्या रखना चाहेंगे, मातृभक्ति, मातृभूमि, मातृ सेवा, या फिर मातृभाषा। इससे पहले भी पैराग्राफ में मैंने आपको बताया था कि जो पर्टिकुलर टॉपिक की बात हो रही है, जरूरी नहीं कि वही गद्यांश का मुख्य विषय है, उसका सार क्या निकल रहा है, उसका अर्थ क्या निकल रहा है, ये आपको देखना जो है वो जरूरी है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो मातृ सेवा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसका इस गद्यांश का जो मुख्य विषय होगा वो मातृ सेवा है। क्योंकि लेखक जो ऊपर आपने गद्यांश पढ़ा उसमें लेखक अपने आपको माता, मातृभूमि और मातृभाषा का ऋणी समझता है। ऊपर प्रश्न भी आया था और कहता है कि इस ऋण जो है इससे मुक्त होने के लिए हमें सच्चे मन से जो है वो सेवा करनी चाहिए, और बस यही आधार भी आपका इस मातृ सेवा का जो है हो जाएगा। तो मुख्य विषय आपका यहाँ पर यही जो है वो हो जाएगा। पैराग्राफ हमारा समाप्त हुआ। अब 81 से 85 तक जो प्रश्न है आपका, ये प्रश्न आपका एक तालिका पर आधारित है। इसमें लिखा है कि ये तालिका 6 वर्ष के दौरान विभिन्न प्रकार के शोरूम में बेची गई कारों की संख्या को दर्शाता है। जैसे कि यहाँ पर ए शोरूम है, ये शोरूम लिखा है ना कि ए शोरूम है, ये बी शोरूम है, ये सी शोरूम है, यानी ये तीन अलग अलग शोरूम है। अब ए शोरूम में 2011 में कारें बेची गई, जो कारें हैं वो 500 हैं, 2012 में 480 हैं, 2013 में इस टाइप से ऐसे दे रखा है। बी में भी सेम ऐसे आंकड़े दे रखे हैं और सी में भी इसी प्रकार से आंकड़े दे रखे हैं। प्रश्न को आपने समझा। अब इसी पर आधारित प्रश्न दे रखा है, यदि तीनों शोरूमों द्वारा 6 वर्ष में बेची गई कारों की कुल संख्या को वृत्त आरेख यानी कि पाई चार्ट के रूप में दर्शाया जाए, तो वर्ष 2013 में बेची गई कारों की कुल संख्या को प्रदर्शित करने वाले त्रिज्यखंड सेक्टर का केंद्रीय
कोण जो है वो क्या होगा, ये यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। तो सबसे पहले पॉइंट आपको क्या पकड़ना है, यहाँ पर बात हो रही है 2013 में बेची गई कारों की कुल संख्या की। तो सबसे पहले आपको इन्हें टोटल निकाल लेना है। 2013 में अगर आप देखेंगे तो ये 2013 का आंकड़ा दे रखा है, तो 2013 में 520, 530 और 460, इन तीनों को अगर आप जोड़ेंगे तो टोटल आपका जो नंबर आएगा वो 1510 आएगा। ये आपने निकाल लिया 2013 के कुल कारों की बिक्री की संख्या। अब आगे कह रहा है कि 2013 में जो बेची गई कार थी वो कुल संख्या को प्रदर्शित करने वाले त्रिज्यखंड, यानी कि आपको इन सभी का टोटल निकालना होगा, 2011 का, 12 का, 13 का, 14 का, 15 का, 16 का, और जितना भी आएगा सब अलग अलग, उन सभी को टोटल को जोड़ लेना होगा, क्योंकि कुल कारों को प्रदर्शित करने वाले से आपको त्रिज्यखंड निकालना है। तो 2011 में अगर आप जोड़ेंगे 500, 400, 450, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 1350 हो जाएगा। 2012 वाला जोड़ेंगे तो ये आपका भी 1350 होगा। एरो बना के यहाँ पर दिखा देते हैं। 2013 वाला हमने 1510 लिख दिया है। 2014 में जोड़ेंगे 620, 480, 520, तो ये आपका 1620 हो जाएगा। 1620 ये जोड़ेंगे 2015 वाला 650, 520 और 540, तो ये जोड़कर 1710 हो जाएगा। और लास्ट वाला जो है ये आपका 1460 हो जाएगा। अब इन सब का जोड़ अलग से करेंगे, 1350 प्लस 1510, तभी तो टोटल आपका निकल के आएगा। तो इन सबको जोड़ेंगे अलग से तो आपका टोटल जो है वो 9000 जो है वो आएगा। बाकी आप जोड़ सकते हैं, यहाँ समय बचत करने के लिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। 9000 टोटल आ गया। अब आपको निकालना क्या था कि कुल संख्या को प्रदर्शित करने वाले त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण। तो केंद्रीय कोण या त्रिज्यखंड का जो सूत्र लगेगा वो इस टाइप से लगेगा कि 360 डिग्री टोटल का होता है, बटे में आप लिखेंगे जो टोटल हमने जोड़ निकाला यानी कि 9000, और मल्टीप्लाइड में हम लिखेंगे जिसका 2013 का जो है यहाँ बात की गई है। तो 2013 का टोटल कितना था, तो ये 1510 था, तो गुणे में 1510। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, डायरेक्ट आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। और इसको सॉल्व करने पर वही 60.4 करके आएगा, तो आप ओवरऑल ले लेंगे तो 60 आपका डी वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी कैलकुलेशन आप जो है वो स्वयं से कर सकते हैं। 82 प्रश्न देखते हैं कि वर्ष 2015 में सभी शोरूम द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या की तुलना में 2016 में सभी शोरूम द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या कितने परसेंट कम हुई, दशमलव के निकटतम एक स्थान तक यहाँ पर जो है वो बताना है। अब ये चाहे तो आप प्रश्न जरूरी नहीं यहाँ पर देख रहे हैं, चुपचाप आप वीडियो को रोकिए, स्वयं से करिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए। तो 2015 का सबसे पहले हम टोटल देखेंगे, तो 2015 में टोटल आपका कितना था, तो आप देखेंगे ये ऊपर लिखा है 1710 था, ये देख रहे हैं 1710 था। और 2016 की भी बात की गई, यानी कि ये था आपका 146, लास्ट में जीरो भी लिखा हुआ है, 1460, ये जो है आपका 2016 का था। दोनों आपने देखे, नीचे देखिए 2015 और 2016 की बात की गई है, तो 2015 का लिख देते हैं एरो बना के 1710, और 2016 का कितना, 1460। अब प्रश्न में ये कह रहा है कि 2015 में या 2015 की तुलना में 2016 में बेची गई कारों, कुल कारों में कितनी कमी आई है, क्योंकि यहाँ 1710 बेचा गया है पर 2016 में जाके तो घट गया है ना, ये 1460 हो गया, तो कितना कम हो रहा है। तो कम होने के लिए आप क्या कहेंगे, इसको इससे घटाएंगे, तो 1710 में 1460 घटाएंगे तो आपका आएगा 250। 250 ये कम हो रहा है, पर यहाँ पर प्रश्न में परसेंटेज की बात की गई है, तो टोटल परसेंटेज निकालेंगे आप इस 1710 पर, तो 250 बटे 1710 गुणे 100, तो बस यही आपका परसेंटेज यहाँ पर जो भी आएगा वो आंसर जो है वो हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 14.6%, तो कौन सा, बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 83 प्रश्न आपका है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहेगा, आप ही के लिए सारी मेहनत की जा रही है, तो आप सभी का वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही, यदि चीजें आपको समझ में आ रही हो, और शेयर भी इस और लोगों के साथ करते रहेगा। 83 प्रश्न देखते हैं कि वर्ष 2014 और 2016 में शोरूम बी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या और वर्ष 2015 और 16 में शोरूम सी द्वारा बेची गई कुल कारों की संख्या का रेशियो क्या था। अब आपको सबसे पहले यहाँ सभी आंकड़े लिख लेने हैं, तो 2014 और 2016 इनमें बी द्वारा बेची गई लिखा हुआ है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, मैं आपको ऊपर जाकर प्रश्न में दिखा भी देता हूँ। बी जो है इसके द्वारा, देखिए बी ये आपका सेंटर में दे रखा है,
तो बी द्वारा 2014 में कितनी बेची गई है, 480 बेची गई है, उसके जस्ट सामने देखना है आपको, और साथ ही साथ 2016 में 400 बेची गई है, तो टोटल कितनी हुई, 480 और 400, 880 हो जाएगा। इतनी चीज आपने समझी, चलिए वहां पर क्वेश्चन में जाके लिख भी देते हैं, यहाँ पर टोटल 880। सेम चीज आपको 2015 और 16 में भी देखना है, और किसके द्वारा, सी शोरूम के द्वारा। अब सी शोरूम में देखिए, तो ये सी शोरूम है सबसे नीचे वाला। अब यहां पर 2015 में देखेंगे तो 540 बेची गई, और 2016 की बात करें तो 430 बेची गई, तो 540 और 430 कितना हो जाएगा आपका, 970 हो जाएगा। तो 970 आप जाके नीचे वाले में भी लिख देते हैं। कोई भी पॉइंट में कोई चीज समझ नहीं आए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जो है बता दूंगा। 970 यहाँ पर जो है वो हो गया, तो वो ऊपर 880 नीचे 970। अब कह रहा है इन दोनों के द्वारा कारों की कुल संख्या का रेशियो आपको बताना है, तो रेशियो निकालने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, दोनों को बटे में रखकर काट लीजिए, जो भी आंसर आएगा वही आपका रेशियो हो जाएगा। इस जीरो से ये जीरो काटेंगे, 88 और 97, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सी वाले में आपको दे भी रखा है, तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका 84। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए 6 वर्षों के दौरान शोरूम ए द्वारा बेची गई कारों की औसत संख्या जो है वो कितनी थी। अब एवरेज निकालना है यहाँ पर, तो एवरेज निकालने के लिए ए शोरूम में एक बार हम आपको आंकड़े दिखा देते हैं। तो ये आपके ए शोरूम के आंकड़े हैं। अब यहाँ पर 2011 में 500 बेची गई, 480 इस टाइप से, 520, 620, 650, 630 इतनी हो रखी है। तो आपको क्या देखना होता है, कुल संख्या मतलब कुल नंबर इन टोटल, और साथ ही साथ कितनी है संख्या है, जिसको हम एवरेज को साधारण सी भाषा में कहते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग क्या करेंगे, 500 प्लस 480 प्लस 520 प्लस 620 प्लस 650 प्लस 630, और टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो 2011 16 टोटल 6 है। तो आप सभी को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आपका आएगा 3400, पदों का योग टोटल कितना होगा 3400, और पदों की संख्या मैंने टोटल 6 बताई, तो इससे आप इसको काट लीजिए, तो 6 से आप काटेंगे तो 6 5 30, 4 इधर जाएगा तो 6 6 36, फिर यहाँ पर आपका 4 इधर जाएगा 6 6 36, और दशमलव में वही 7 के आसपास आएगा, क्योंकि आपका सी वाले ऑप्शन में दे रखा है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गए आप, एवरेज की जब बात हो, औसत की आपकी बात हो, तो पदों का योग बटे पदों की संख्या। 85 प्रश्न आपका इस जो पैराग्राफ है इसका लास्ट है, क्योंकि 86 से नया आपका स्टार्ट है। 85 कह रहा है सभी वर्षों में शोरूम बी और सी द्वारा बेची गई कारों का अंतर क्या है, 0 1 2500 या 200 इस टाइप से चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो अब सबसे पहले बी और सी जो है इसके हम ऊपर आंकड़े देख लेते हैं। तो बी और सी में देखिए, बी एकदम सेंटर में लिखा हुआ है, इसमें 450, 420, 530, 480, 520, 400 ऐसे लिखा है। तो इन सभी को आप जोड़ लेंगे, जैसे कि हमने अभी एवरेज निकालने के लिए जोड़ा था, सेम सी द्वारा भी 400, 450, 460, 520, 540 सभी जोड़ लेंगे। तो ऊपर वाले का जो बी है टोटल 2011 से 16 जो जोड़ है वो आपका आएगा 2800, सी वाले का भी जो टोटल जोड़ है वो आपका आएगा 2800। अब प्रश्न में वापस लौटते हैं, प्रश्न में कह रहा है कि बी और सी द्वारा बेची गई कारों का अंतर क्या है। तो मैंने बताया बी का भी टोटल 2800 ही आ रहा है, और सी को जोड़ने पर भी सबका 2800 ही आ रहा है, दोनों का अंतर यानी कि डिफरेंस पूछा गया है, तो अंतर तो शून्य है, आपका ए वाला बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ये हमारा पैराग्राफ वाला है खत्म हुआ। अब 86 से 90 तक आपका एक और पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ में क्या दे रखा है इसको समझिए, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं ताकि एक बार में पूरी आपको तालिका दिखाई दे। तो वर्ष एक तरफ दे रखे हैं 2004 5 6 7 8 9, और ऊपर आपको कॉलेज दे रखे हैं PQRHTU करके, और ऊपर लिखा है निम्नलिखित सारणी का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए, नीचे आपको एक एक करके प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये आपकी सारणी है जिसमें PQRHTU जो ऊपर देख रहे हैं ये आपके सभी कॉलेज, और ये जो नीचे शून्य लिखा है ये इसी के साथ है, जो आपका जैसे 250 नीचे जीरो लिखा है, तो ऐसा नहीं कि कोई कोई अलग है, ये साथ में है पूरा, ये आपका 2500 है, वो जगह के कारण जो है वो नीचे शून्य लिख दिया गया है। अब देखिए प्रश्न को समझते चलते हैं, देखते चलते हैं, और उसी के साथ तालिका को भी समझेंगे। तो देखिए पहला इस पर बेस्ड प्रश्न है 86 नंबर की, वर्ष 2005 में सभी कॉलेजों में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या जो है वो कितनी है, किसमें पूछी गई है 2005 में। अब 2005 हम देखेंगे तो ये आपका देखिए 2005 लिखा हुआ है,
अब टोटल संख्या कितनी है, यहाँ 2040 यानी 2040 है, फिर उसके बाद 2300 है, फिर 2400 है, फिर 2200 है, फिर 2090 है और लास्ट में 2120 है। इन सबको आपको जोड़ लेना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर टोटल जोड़ने पर 13150 आएगा, जो कि आपको बी वाले ऑप्शन में दे रखा है। मेन तरीका आपको समझना है कि यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, बाकी जोड़ घटाना तो आप कर ही सकते हैं। 2005 में सभी कॉलेजों में मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या ये आ जाएगी। अगला 87 प्रश्न है, पिछले वर्ष की तुलना में 2007 में कॉलेज टी के विद्यार्थियों की संख्या में कितने परसेंट की जो है वो वृद्धि हुई। अब यहाँ पर 4% दे रखे हैं। आपको क्या पूछा गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में किसमें 2007 में कॉलेज टी। अब वापस से चलते हैं प्रश्न में, ये आपका 2007 है और टी का नंबर देखिए कहाँ पर आ रहा है, तो लास्ट से सेकंड पे आ रहा है, यानी कि ये आपका आ रहा है 2250। तो 2007 में जो टी कॉलेज था उसमें संख्या थी 2250 2007 में, और प्रश्न कह रहा है इससे पिछले वर्ष की तुलना में यानी 2006 में कितनी थी, तो 2180 थी। आपने देखा दोनों में। अब ये पूछ रहा है कि ये पहले से कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई। अगर केवल ये पूछा होता कितनी वृद्धि हुई तो आप क्या करते, 2250 में से 2180 को घटा देते, पर जब परसेंटेज बढ़ जुड़ गया तो आपको पहले घटाने के बाद इस टोटल 2180 से प्रतिशत भी निकालना पड़ेगा। अब समझिए इसको, 2250 लिख के यहाँ पर दिखा देते हैं, तो 2250 में से आप घटाएंगे कितना, 2180, यही था, एक बार देख लेते हैं, 2250 और ये 2180, 2007 और 2006 जो है टी जो कॉलेज था उसमें, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 70 डिफरेंस आएगा, 70। अब ये परसेंट की बात हो रहा है कि कितने परसेंट बढ़ गया, तो टोटल 70 बढ़ा है, किस पे बढ़ा है, तो जो पहले आंकड़ा था 2180 इस पर बढ़ा है, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से जो है गुणा करते हैं। अभी सेम इस टाइप का एक प्रश्न ऊपर वाले हमने पैराग्राफ में देखा भी था, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, वही परसेंटेज हो जाएगा। इस जीरो से इस जीरो को आप काट सकते हैं और 7 × 100 यानी 700/218 होगा, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3.21% आपका आ जाएगा, जो कि आपको देखिए डी वाले ऑप्शन में दे भी रखा है, यही आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गए आप तरीका इस प्रश्न को। अगला देखते हैं आपका 88 प्रश्न आपका है कि वर्ष 2008 में कॉलेज पी में विद्यार्थियों की संख्या सभी वर्षों में मिलाकर उस कॉलेज के विद्यार्थियों की कुल संख्या का लगभग कितने परसेंट है, 11, 31, 18, 26। अब क्या करना है, पहले 2018 में कॉलेज पी में विद्यार्थियों की संख्या आपको देखनी है, तो 2008 की बात कर लेते हैं, ये आपका 2008 दे रखा है, और पी कॉलेज की बात की जा रही है, तो पी आपका देखिए पहले नंबर पर ही है, तो पी में कितनी है, 2540 है, इतना आपने समझा। तो पर एक चीज यहाँ पर पी की बात की जा रही है, पर एक चीज को और देखिए यहाँ पर लिखा क्या है प्रश्न में कि 2008 में कॉलेज पी में विद्यार्थियों की संख्या सभी वर्षों में मिलाकर उस कॉलेज के विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना परसेंट है, यानी कि टोटल से पूछा गया है, तो केवल पी का इन सभी टोटल से स्टार्टिंग से आप जोड़ेंगे, 2540 प्लस 2540 प्लस 2120 प्लस 2380 प्लस 2310 और लास्ट में 2520, तो इस टोटल का आप सबसे पहले जोड़ेंगे, तो ये टोटल जोड़ने पर जो आपका मान आएगा वो आपका आएगा 13780। कितना आएगा, 13780, और ये जो सबसे पहला वाला पी था वो कितना था, 2540, तो बस आपको 2540 को 13780 वाले से परसेंटेज निकाल लेना है, क्योंकि प्रश्न कह रहा है 2008 में कॉलेज पी में विद्यार्थियों की संख्या, पी में विद्यार्थी कितने थे, टोटल आपके 2540 थे, और टोटल कितने थे, ये तो विद्यार्थियों की संख्या, यहां तक प्रश्न का एक हिस्सा है, और आगे कह रहा है सभी वर्षों में मिलाकर, तो सभी वर्षों में मिलाकर कितना था, 13780। अब परसेंटेज निकालना था तो गुणे 100, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर जो है वो आ जाएगा, जीरो से ये जीरो काटिए और इसको टोटल सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं तो आपका ये 18.43% आएगा, और लगभग वर्ड लगा हुआ है, समझ गए आप कि ये 18%, ये दशमलव वाला हट जाएगा, सी वाला आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका 89 प्रश्न है, 2006 और 2009 में कॉलेज एस में विद्यार्थियों की कुल संख्या उन्हीं वर्षों में कॉलेज यू में विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच का रेशियो कितना है। अब 2006 और 9 में
कॉलेज एस में विद्यार्थियों की कुल संख्या आपको देखनी पड़ेगी। तो वापस से चलते हैं प्रश्न की तरफ, तो किसकी बात हो रही है 2006, इसको हटा देते हैं ताकि आपको समझ में आए। अब ठीक है, 2006 और 2009, 2006 और 9 में किसके, एस के विद्यार्थी आपको दिखने हैं। कॉलेज, ये सब कॉलेज के नाम लिखे हैं, तो एस कोई कॉलेज है, उसमें विद्यार्थी आप देखिए तो कितने हैं, 2250 2006 में थे और 2009 में 2480। ये आपने देखे, टोटल इनका कितना होगा, टोटल इनका होगा 4730। आगे प्रश्न कह रहा था कि 2006 और 9 में ही कॉलेज यू के विद्यार्थी, देखिए सबसे पहले एस में विद्यार्थियों की बात की गई, फिर यू में विद्यार्थियों की बात की गई, तो यू में भी देख लेते हैं एक बार। यू में देखिए सबसे आखिरी में है 2260 और 2440, इनको भी इसी प्रकार जोड़ लेंगे। समझ गया, वापस से प्रश्न में लौटते हैं, तो यू में जोड़ने पर आपका जो मान है वो आएगा 4700 और 2006 और 9 में जो एस में विद्यार्थी थे इनको जोड़ने पर आएगा आपका 4730। ये आपका जो है, अब इनमें दोनों में रेशियो पूछा गया, तो रेशियो का मैंने मतलब बताया, वो दोनों को बटे में रख करके काट लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 4730 में से ये जीरो उड़ा दीजिए, इस तरफ से ये जीरो, तो 473 और 470, ये आपका देखिए ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि जल्दी में कहीं आप ये ना कर दीजिए कि उल्टा, देखिए बी वाला भी एक ऑप्शन दे रखा है, इसमें 470 अनुपात 473 दे रखा है, कई बार जल्दी में हम इस रेशियो को गलत टिक कर देते हैं। तो जो सीरियल से पूछा गया है एस और यू, ये सीरियल पूछा गया है एस अनुपात यू, ना कि यू अनुपात एस, तो यू अनुपात एस को आपको नहीं टिक करना है, एस अनुपात यू पूछा गया तो इसी को टिक करना है, ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 90 नंबर प्रश्न आपका है कि 2004 में सभी कॉलेज में विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी होगी। अब सभी कॉलेज का मतलब निकालने का है, किसमें, 2004 में सभी को जोड़िए और जितने नंबर हो उससे डिवाइड कर दीजिए, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या। और 2004 वाला जो है ये सबसे ऊपर दे रखा है, और इन सभी को आप जोड़ेंगे 2500 2250 यहाँ तक टोटल जोड़ेंगे, तो जितना जोड़ने पर आएगा वो आएगा 13670 और पदों का योग हो जाएगा। पदों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 है टोटल, तो आप क्या करेंगे इस प्रश्न में वो यहाँ पर लिख देते हैं। तो सबसे पहले आपका पदों का योग है 13670, पदों की संख्या है 6, डिवाइड करेंगे तो आपका 2 2 7 8.33 आएगा। प्रश्न में निकटतम पूर्णांक समायोजित लिखा है, यानी कि 2278 वाला आपका डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस पैराग्राफ के भी हमारे प्रश्न समाप्त हुए। अब यहाँ पर एक बार ग्राफ दे रखा है, देखिए हर टाइप की आपकी अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस होगी, तो इसी प्रकार आपको डेली शाम 8 बजे लाइव आना है, 8 बजे की लाइव टाइमिंग है, जो ये आप वीडियो देख रहे हैं पेट के एग्जाम के लिए शाम के 8 बजे की जो है वो लाइव टाइमिंग है। अब देखिए इस प्रश्न को भी देखते हैं, नीचे दिया गया दंड चित्र है जिसमें 2011 से 2016 तक सोयाबीन जो है इसके आयात क्विंटल में आपको जो है दर्शाए गए हैं। जैसे कि 2011 में 120 क्विंटल, 2012 में 340 क्विंटल, 2013 में 708, 2014 में 225 और 2015 में 390 और 2016 में 720। अब इसी पर बेस्ड नीचे क्वेश्चन एक एक पूछे गए हैं, अब एक एक करके सभी को जो है देखते चलते हैं। सबसे पहले 91 प्रश्न आपका है कि दिए गए जो वर्ष हैं उनमें सोयाबीन का औसत आयात क्विंटल में कितना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, एवरेज निकालने की जब भी बात हो तो मैंने क्या कहा कि टोटल का आप जोड़ लीजिए और जितनी संख्या उसे डिवाइड कर दीजिए, यानी कि ये जितने आप देख रहे हैं ना, 120 हो गया, 340 हो गया और ऊपर 708 हो गया, 225 हो गया, 390 हो गया, 720 हो गया, इन सभी को जोड़ लीजिए और जितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 इनसे डिवाइड कर दीजिए, तो जोड़ने पर आपका जो मान आएगा वो आएगा 2503 और डिवाइड करेंगे 6 से तो डिवाइड करने पर 417.6 या 16 आएगा, सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला 92 प्रश्न है, 2011 की तुलना में वर्ष 2012 में सोयाबीन के आयात में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। चार ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा 2011 की तुलना में वर्ष 2012। तो वापस से चलते हैं प्रश्न में, और 2011 में अगर यहाँ पर देखेंगे तो टोटल क्विंटल में जो संख्या है वो 120 दे रखी है आपने देखा, और 2012 में कितनी है 340।
अब क्या देखना है कि कितना वृद्धि हो रही है, कितनी 120 से 340 टोटल कितना बढ़ा, 220 बढ़ा, कितने पर बढ़ा, 120 पर बढ़ा। इस चीज को कभी ना गलती करिएगा कि आगे वाला उठा ले, तो ये बहुत बार गलती हो जाती है। तो दोनों का डिफरेंस जो कि यहाँ लिख भी देते हैं, 2011 की तुलना में दो वर्ष 2012, तो 2011 की बात करें तो 340, नहीं 2012 में 340 और 2011 में आपका 120, और बटे आपका 120 पर ही हम देख रहे हैं, और गुणे 100, और घटाएंगे तो कितना आएगा, 220 आएगा, बटे में आपका 120 आएगा और गुणे करेंगे तो 100। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पर आपका 0 से 0 जो है वो कट जाएगा। अब 12 से 22 और इस 100 को पूरा काटेंगे तो आपका 183.33 आपका जो है ऑप्शन नंबर बी वाला जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। इन सारी चीजों को रब करके आंसर दिखा देते हैं, बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 93 प्रश्न है कि कितने वर्षों में सोयाबीन का आयात जो है दिए गए वर्षों में सोयाबीन के औसत आयात से अधिक है। 4, 1, 3, 2 इस टाइप से दे रखा है। तो सोयाबीन का औसत आय कितना था, सबसे पहले वाले प्रश्न में हमने निकाला था 417.16 ये आया था, और ये पूछ रहा है कि प्रश्न में वापस से दिखाते हैं कि औसत जो आयात है वो दिए गए वर्षों में सोयाबीन के जो औसत आयात है उनसे किससे जो है वो अधिक है। तो आप वापस से प्रश्न में जाएंगे तो जो 417 है, ये 417.16 जो है उससे ज्यादा जो आय है वो 2013 में आप देख रहे हैं जो कि 708 है, और 2016 में आप देख रहे हैं जो कि 720 है। तो 2013 और 16 में आप जो है वो देख रहे हैं। अब यहां पर कितने वर्षों के आधार पर पूछा गया है, तो आपका दो टोटल ऐसे वर्ष हैं, डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 94 प्रश्न देखते हैं कि वर्ष 2015 में सोयाबीन का आयात वर्ष 2012 में सोयाबीन के आयात का कितना परसेंटेज है। अब 2015 में देखिए फिर 2012 में देखिए, तो 2015 में आप देख रहे थे ये आयात जो था वो 390 था, और वही चीज दूसरे के भी लिखी है, यानी कि 2000 के देख लेते हैं वापस से, 2015 और 2012, 2015 और 2012, 2012 में कितना था, 340 था। तो यहां पर लिख भी देते हैं 2015 का जो कि आपका 390 था और 2012 का 340 था। अब प्रश्न को समझिए, यहां पर प्रश्न में थोड़ा सा घुमाया गया है। ये कहा गया कि 2015 में सोयाबीन का जो आयात था 2012 में सोयाबीन के आयात का कितना परसेंटेज है। यहाँ ये नहीं लिखा है कि कितने परसेंट ज्यादा है, जो अभी तक हम घटा लेते थे दोनों को आपस में, यहाँ पर कितना प्रतिशत है वो पूछ लिया गया है। तो हम इस समय ये गलती नहीं करेंगे कि 390 और 340 का डिफरेंस निकाल लेंगे। जब प्रश्न में लिखा हो कि यहां से ये आयात का कितना परसेंट ज्यादा है या कम है, उस स्थिति में हम घटाते हैं, तो 390 पर डायरेक्ट 340 वाला ये परसेंटेज पूछ लिया गया है, तो 390 बटे 340 और गुणे में आपका 100 हो जाएगा। इस जीरो से ये जीरो काट दीजिए, 390 को 10 से गुणा करेंगे तो 3900 बटे 34 आप करेंगे, सॉल्व करने पर 114.7 आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 95 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है दिए गए वर्षों में 2011 और 12 का 14 और 15 से सोयाबीन के आयात में अनुपात जो है वो क्या है। अब 2011 और 12 का देखेंगे सबसे पहले, तो 11 का था आपका 120 और 12 का था आपका 340, और 2014-15 का दे रखा था तो 225-14 का था, 2015 का आपका 390 था, और सबको अलग अलग हम लिख लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2011 का आपका कितना था, ये था 120, 2012 का कितना था तो ये था 340, दोनों को आप जोड़ेंगे तो आएगा टोटल 460। अब सेम चीज 2014 और 15 का पूछा गया है, 2014 का कितना था, 225 था, 225, 2015 का कितना था तो ये था आपका 390, यहां भी टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 615। अब प्रश्न में ये कह रहा है इन दोनों का रेशियो बताइए, यानी कि 460 और 615 में रेशियो आप बताइए, तो काट लीजिए दोनों को, और काटने पर आपका 92:123 सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ये भी हमारा प्रश्न समाप्त हुआ। लास्ट के हमारे 5 प्रश्न हैं जो कि एक और दंड आरेख पर दे रखे हैं, कि नीचे दिए गए दंड चित्र में एक दुकान में 6 प्रकार के जूतों के भंडार के दर्शाया गया है, और इस पर आधारित अलग अलग प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। और वीडियो सभी लोग लाइक और शेयर अवश्य करते रहेगा, आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, इसी प्रकार मैं अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए प्रैक्टिस वो कराता रहूं। 96 प्रश्न आपका है,
देखिए ये आपके एक इस तरफ भंडार दे रखे हैं और इस तरफ जूतों के प्रकार दे रखे हैं। तो जैसे S6 जूता कहा गया है, तो आपसे देखेंगे ये S6 जूता लिखा हुआ है सबसे लास्ट में। लिखा है S6 सभी जूतों की कुल संख्या का कितना परसेंट है, तो केवल S6 का कितना है 300 है, और सभी का टोटल कितना है तो 300 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 120 प्लस 210 प्लस 220 टोटल जोड़ेंगे तो आपका 1000 हो गया। यानी कि टोटल आपका है 1000 और S6 का है 300, तो परसेंटेज निकालने के लिए 300 बटे 1000 गुणे 100, ये आपका परसेंटेज आ जाएगा। अब इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, इस वाले जीरो से ये जीरो, तो 30 बटे में तो कुछ है ही नहीं, तो 30% ही आपका आंसर आ जाएगा, बी वाला आपका 30% आंसर हो जाएगा। 97 प्रश्न है, सभी 6 प्रकार के जूतों की औसत संख्या क्या होगी। अब देखिए जोड़ तो हमने टोटल लिया ये है 1000, अब आपको क्या करना है, केवल डिवाइड करना है जितने नंबर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 हैं टोटल, तो यानी कि पदों का योग बटे पदों की संख्या करेंगे, तो पदों का योग तो 1000 हमने निकाल ही लिया है, पदों की संख्या 6 है, 1000 बटे 6 करेंगे तो आपका 166.67 आएगा, ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 98 प्रश्न है, S4 S3 का कितना परसेंट है। अब S4 S3 को देखना पड़ेगा, S4 आपका 90 है, S3 जो है आपका 120 है, और परसेंटेज पूछा गया है, कह रहा ना S4 S3 का कितना परसेंट है, तो S4 में टोटल आपने देखा नंबर थे वो 90 थे, S3 में आपने टोटल देखा 120 थे, और S4 का S3 से परसेंट पूछा गया है, तो 90 बटे 120 गुणे में 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इस जीरो से ये जीरो काट लीजिए और 900 बटे 12 आपका हो जाएगा, और जो कि 75% आपका जो है वो हो जाएगा, तो डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 99 प्रश्न देखते हैं आपका कि S2 S5 से कितने परसेंट अधिक है। अब S2 और S5 का सबसे पहले आप वैल्यू देख लीजिए, S2 की वैल्यू आपको 210 दे रखी है, S5 की वैल्यू आपको 60 दे रखी है, और कह रहा है कितना अधिक है, तो 210 में से अगर आप 60 घटाएंगे, यहाँ लिख भी देते हैं, S2 की संख्या आपकी 210 और S5 की संख्या आपकी 60, और कितने परसेंट अधिक है। मैंने क्या कहा, जहां पर प्रश्न अधिक या ज्यादा पूछा हो गया, अधिक या कम पूछा गया, वहां पर आप घटाते हैं, तो 210 में से 60 घटाएंगे तो 150 आएगा, और कितने परसेंट है, तो 150 आपको निकालना है, परसेंटेज किस पे निकालेंगे, 60 पे निकालेंगे, तो 150 बटे 60 गुणे जो है आपका 100, तो इसको सॉल्व करिए, तो इसको सॉल्व करने पर आपका 250 आ जाएगा, सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न था, देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने बताया था 100 प्रश्न तक हम देखेंगे और एक प्रश्न इसके बाद हम आपसे भी पूछेंगे, और जैसा कि प्रत्येक वीडियो में हम लास्ट प्रश्न देखने से पहले, वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया और सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और सभी इससे पहले के आप सेट देख चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी आपको अलग से मिल जाएगी, वो सभी इससे पहले के वीडियो भी देख सकते हैं। तो S2 S1 प्रकार के जूतों की संख्या से कितना परसेंट कम है, ये आपसे यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। 4.50%, 4.25%, 4.54% या फिर 5.55%, इस टाइप से चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो बताइए S2 S1 प्रकार के जूतों की संख्या से कितना परसेंट कम है। तो वापस से चलते हैं S2 वाले जो आंकड़े हैं उनकी तरफ, तो S2 के आंकड़े थे आपके 210, S1 के आंकड़े थे 220, तो बस वापस से लिख देते हैं यहां पर ताकि आसानी से आप प्रश्न को कर लें। S2 के आंकड़े कितने, 210, S1 के आंकड़े आपके 220, परसेंटेज निकालना है कितने परसेंट कम हुआ, तो कितना कम हुआ, 10 कम हुआ, किस पे कम हुआ, 220 पे कम हुआ गुणे 100। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 1000 बटे 220 या 100 बटे 22 सॉल्व करेंगे तो 4.54% आपका बिल्कुल यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी मल्टीप्लाई, जोड़, एडिशन, ये सारी चीजें तो आप स्वयं से कर सकते हैं, मेन आपको इस वीडियो में तरीका जो है वो सीखना है। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए, आप देख लेते हैं वो प्रश्न जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है कि इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो किससे संबद्ध है। ए ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, बी ऑप्शन है रामप्रसाद बिस्मिल, सी ऑप्शन है भगत सिंह और डी ऑप्शन है लाला हरदयाल। सेट जो हम 2 देखेंगे उसमें इस प्रश्न का हम आंसर देखेंगे कल शाम के 8 बजे जो है वो आपका सेट 2 जो है इसके आगे हम देखेंगे। तो सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा।
लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे की भी एक लाइव टाइमिंग है और एक शाम के 8 बजे की है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। इससे पहले के प्रश्न ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।